कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल कुछ परसेंट ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग में दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड और दूसरे को सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते और समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल सतही होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन जी सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी ना कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व निरात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता है। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके सांसें लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपके वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।